कॉफी पीना चाहिए या नहीं, इस पर बहुत डिबेट्स चलते हैं। क्या कॉफी सेहत के लिए अच्छी है या नहीं, और भी बहुत। ज्यादातर हमारे दोस्त या रिश्तेदार हमें कॉफी पीने से मना करते हैं। कॉफी से वेट बढ़ता है, नींद चली जाती है, बहुत मीठा होता है और हेल्थ के लिए खराब भी होता है। इसीलिए आज हम कॉफी के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स दोनों बताएंगे। पर अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। Essential Nutrients Plus High in Antioxidants। कॉफी बीन के अंदर बहुत सारे नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक कॉफी के कप में भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, जैसे कि विटामिन B2, B5, B1, B3, फोलेट, मैंगनीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस होता है। सुनकर कम लगता है, पर इस एक कप के अलावा आप दिन में कितनी बार पीते हैं कॉफी। वेस्टर्न डाइट के अंदर ये भी बताया जाता है कि कॉफी के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भी बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो आप भी कॉफी को अपने डाइट प्लान में ऐड कर सकते हैं। एनहेंस ब्रेन फंक्शन प्लस बूस्ट मेटाबॉलिज्म। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कॉफी के अंदर सबसे ज्यादा कैफीन पाया जाता है, जो कि एक साइको एक्टिव ड्रग है, पर कॉफी मेन सोर्स है कैफीन का। कैफीन को स्टिम्युलेंट कहा जाता है, ये आपके ब्रेन को शॉर्ट टर्म बूस्ट देता है, जिसकी वजह से आप एनर्जाइज्ड और एक्टिव हो जाते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म रेट, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, ब्रेन फंक्शंस को भी बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलता है। लोअर रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज प्लस लोअर रिस्क ऑफ लिवर डिजीजेस। ज्यादातर टाइप 2 डायबिटीज एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल्स के वजह से होता है, जो इंसुलिन का इफेक्ट नहीं लेते। गए हुए कुछ डिकेड्स में तो ये बीमारी 10 गुना बढ़ चुकी है और अभी 300 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से गुजर रहे हैं। पर वही कॉफी ड्रिंकर्स का रेट कम था। लिवर आपके बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है और ज्यादा अल्कोहल या फ्रुक्टोज से ये खराब हो सकता है। नॉन कॉफी ड्रिंकर्स से कॉफी ड्रिंकर्स का लिवर डिजीज रेट कम है। लोअर रिस्क ऑफ डिप्रेशन एंड सुसाइड प्लस लिव लॉन्गर। डिप्रेशन दुनिया में सबसे कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ कम करता है। हार्वर्ड स्टडीज ने 2011 में दिखाया था कि जो लोग कॉफी ड्रिंक करते हैं वो कम डिप्रेस रहते हैं और उन्हें कोई सुसाइडल थॉट्स भी नहीं आते। जैसे कि कॉफी से बहुत सारे डेडली डिजीज नहीं होते, इसलिए कॉफी ड्रिंकर्स ज्यादा जीते भी है। कॉज एंजाइटी एंड डिस्ट्रप्ट स्लीप प्लस एडिक्टिव। सारे अच्छे इफेक्ट्स दिखाकर कॉफी कंजम्पशन सही है ऐसा नहीं कह सकते। जैसे हर चीज के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, कॉफी के भी है। ज्यादा कॉफी कंजम्पशन स्लीपिंग डिसऑर्डर देता है, इसीलिए हो सके तो रात में लेने से अपने आप को रोके। अगर आप अच्छे से सो नहीं सकेंगे तो आपको एंजाइटी और कई चीजें इफेक्ट हो सकती है। कॉफी बहुत एडिक्टिव है, जिससे काफी लोगों का टॉलरेंस बहुत हाई हो जाता है, इसीलिए वो बार बार कॉफी के लिए क्रेव करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इफेक्ट्स जो कॉफी से होते हैं और ये उसके थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अगर कॉफी का इंटेक सही मात्रा में किया जाए तो डेफिनेटली आपके हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और अगर इससे जुड़ी भी आपके पास कोई जानकारी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।